नमस्कार दोस्तों, तो अगले डेढ़ हफ्ते के अंदर ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होने वाला है गैलेक्सी A55 5G। मुझे कैसे मालूम चला? क्योंकि बाकी जो भी यूट्यूबर है उन लोगों के पास दो दिन पहले इसका जो ऑरेंज वाला वेरिएंट वो आ चुका है, मतलब अगले डेढ़ हफ्ते के अंदर कॉन्फर्म लॉन्च होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सैमसंग की तरफ से नया फोन जो लॉन्च होने वाला है इसमें हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा और जिस प्राइस पॉइंट में आएगा तो क्या उस हिसाब से सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन होगा कि नहीं, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटो चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में। तो इस बार सैमसंग पहली बार अपने स्मार्टफोन में लेदर का बैक कवर यूज कर रहा है, जो कि मुझे काफी बढ़िया लगा, मतलब एटलीस्ट ट्रेंड के हिसाब से काम कर रहा है। तो ये जो फोन आपको टोटल दो कलर में मिलेगा, एक होगा ऑरेंज दूसरा होगा ब्लैक। इसका थिकनेस है 7.8 मिलीमीटर और वेट है 180 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इससे मिलेगा 6.7 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड प्लस क्वालिटी का डिस्प्ले, जिसके साथ कितना टच सैम्पलिंग रेट है कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। 1000 निट्स का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और डिस्प्ले का जो प्रोटेक्शन है उसमें आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। मतलब एज यूजुअल सैमसंग के ब्रांड वैल्यू को देखते हुए डिस्प्ले होने वाला है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। प्रोसेसर में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 1 प्रोसेसर। कैमरा के मामले में आपको मिलेगा 58 और 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, साथ में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसका जो रियर कैमरा इसमें आपको OIS EIS दोनों का ऑप्शन हमें मिलेगा। ये जो फोन आपको टोटल 3 वेरिएंट पे मिलेगा, 8 128 GB, 8 256 GB और 12 256 GB। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X। मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2, जिसके साथ कोई भी डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं। बैटरी में आपको मिलेगा 5000 mAh बैटरी, साथ में जो 45W का चार्जर वो अलग से लेना पड़ेगा और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो अगर मैं इसके कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करूँ तो आपको इसे मिलेगा एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, कोई भी 3.5 mm जैक नहीं, डुअल स्पीकर जिसके साथ हमें मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और अगर मैं इसके OS अपडेट साइकिल बारे में बात करें, 4 साल का मेजर OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। तो अब तो सबसे मेन चीज किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला, तो देखिए ये जो स्मार्टफोन एक्जैक्टली गैलेक्सी M55 5G का रिब्रांडेड वर्जन होने वाला है, वो फोन इंडिया में लॉन्च हुआ था 26999 पे, ऑफर मिला था मिल रहा था 25000 पे, इस बार भी होगा एक्जैक्टली सेम। ये जो नया फोन फ्लिपकार्ट पे मिलेगा एक्जैक्टली 26999 पे, ऑफर मिला था मिलेगा 25000 पे। और अगर अब एक महीना वेट करेंगे तो एक्जैक्टली गैलेक्सी M5 के जैसा, जो कि अभी इजिली अवेलेबल है 22000 पे, तो ये फोन भी आपको मिलने लगेगा 22000 पे। और मोस्ट प्रोबेबली बिग बिलियन डे या फिर अमेजन ग्रेट इंडियन सेल के दौरान सेम फोन शायद हमें मिल जाएगा 20000 के नीचे। तो अभी हार्डवेयर से देखेंगे क्या ये जो स्मार्टफोन प्राइस पॉइंट के अंदर का सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन है या फिर इससे बेटर दूसरे के जैसे अवेलेबल है। तो देखिए अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ 25 से 27 हज़ार रुपए के आसपास ये जो स्मार्टफोन डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी नहीं है, लेकिन अगर ऑफर के टाइम जैसे कि अभी अवेलेबल है, अगर ऑफर के टाइम ये जो स्मार्टफोन आपको वही 21-22 हज़ार के आसपास मिलता है तो एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकता है। लेकिन सैमसंग के ब्रांड वैल्यू को देखते हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें, डिस्प्ले इसका नो डाउट बहुत ही बढ़िया, क्योंकि सेम प्राइस पॉइंट में एक ब्रांड को छोड़ के लगभग सभी ब्रांड हमें फुल एचडी प्लस ही डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। और जनरली सैमसंग का जो सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले वो बहुत ही बढ़िया रहता है, मतलब डिस्प्ले अगर 21-22 हज़ार के आसपास होता है तो होगा नंबर वन। नेक्स्ट प्रोसेसर, अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं बोलूंगा एवरेज है, इससे बेटर प्रोसेसर ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर ये फोन 22000 में मिलता है फिर भी, तो इसलिए प्रोसेसर इसका एवरेज। कैमरे की अगर बात करें मैं बोलूंगा बहुत ही बढ़िया, क्योंकि पहली बात तो OIS EIS वो भी सैमसंग के टेक्नोलॉजी के साथ हमें मिलेगा, उसके साथ सैमसंग का ऑप्टिमाइजेशन ये भी बहुत बढ़िया है। और ये एक्चुअली प्राइस पॉइंट का वन एंड ओनली ऐसा ब्रांड है जो कि आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देकर वो भी सैमसंग की तरफ से, मतलब कैमरा में बोलूंगा नो डाउट बहुत ही बढ़िया अगर ये फोन 22000 में मिलता है तो। उसके बाद वेरिएंट के मामले में बाकी सभी ब्रांड के जैसा बैटरी चार्जर ठीक ठाक है, एवरेज है, चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा और बाकी स्पेसिफिकेशन ठीक ठाक है। लेकिन आज जैसे सैमसंग का स्पेशलिटी है 4 साल का मेजर OS अपडेट, ये चीज हमें देखने को मिलेगा। तो मतलब देखिए वीडियो के आखिर में मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, अगर सैमसंग की तरफ से ये जो स्मार्टफोन ऑफर के टाइम आपको 21-22 हज़ार के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आपको इसे ले लेना चाहिए, लेकिन 25 से 27 हज़ार के आसपास जो कि इसका लॉन्च प्राइस होगा उस प्राइस पॉइंट में डेफिनेटली सही ऑप्शन नहीं होगा। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताना कि ये जो सैमसंग का ये जो नया फोन जो लॉन्च होने वाला है किस प्राइस पॉइंट में आप इसे लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगली वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।